कुछ तो भी है स्पेशल मुझ में, यहाँ पे लोग स्टेयर कर रहे हैं। एकदम घर जैसी रोटी है। हाँ सो ये खाना खाने में मज़ा आने। तो ये जो स्टॉप लिखा है ये इंडिया का साउथ, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज दिस इज कन्याकुमारी एंड दिस इज़ द लास्ट ओरिजिन से रेलवे स्टेशन साउथ में। ओके सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। माई नेम इज़ अक्षत एंड यू आर वॉचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। कहाँ पे हैं हम लोग? हम हैं फिलहाल कन्याकुमारी में, और जब मेरे सामने देखने वाले हो ना, दिस थिंग इज क्रेज। सो मेरा होटल है यहाँ पे एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माई होटल। यहाँ से मुझे दिख रहा है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, और मेरे लेफ्ट साइड में है अरेबियन सी एंड दिस इज द संगम ऑफ थ्री मैसिव ओशंस जिसको बोलना चाहिए। वाओ, आई डोंट नो कैमरा वो चीज़ कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट दो कलर दिख रहे हैं, ग्रीन प्लस ब्लू कलर जो दिख रहा है मुझे यहाँ से। सो बहुत सारी यहाँ पर अभी जगह है जाने के लिए, बहुत सारी तो नहीं है। बेसिकली देखो कन्याकुमारी में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं ज़्यादा घूमने के लिए, दिस इज़ बेसिकली द संगम। यहाँ सामने आपको एक चर्च दिख रहा है, वो चर्च है, उसके आगे वहाँ पर एक मंदिर है, और उसके बाद एक यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का एक म्यूज़ियम है, और एक मतलब काफ़ी अच्छा एक अंदर वहाँ जाके तो कवर करूँगा मैं सारी चीज़ें। अभी जस्ट आया हूँ वर्कला से, और वर्कला से आने के बाद अब कन्याकुमारी से सब एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, विच इज़ श्री पंजाबी ढाबा। तो आज डिनर वहाँ पे करने वाले हैं, सब बोले थे एकदम जैसी घर जैसी फूली फूली रोटियाँ मिलती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर कन्याकुमारी, देखते हैं फर्स्ट कहाँ जाने वाले हैं, लेट्स गो। तो वही निकल चुके हैं गली गली एक्सप्लोर करने के लिए, वॉक करेंगे पूरा यहाँ पर, कुछ ऑटो वगैरह ट्राई करेंगे कि अवॉइड करेंगे। ओके सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्लेस, ऑलमोस्ट ये देख सकते हो आप, ये जो भी चल रहा हूँ ना मैं, मेरे लेफ्ट साइड में जिस वे ऑफ बंगाल, इस साइड में देखोगे सो अरेबियन सी, और जस्ट इस साइड देखोगे सो दैट्स इंडियन ओशन। वाओ, तो चलते हैं आगे की साइड और देखते हैं क्या है। तो ऐसा लगा भाई, लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप सामने इस साइड देख सकते हो, दैट्स विवेकानंद टेम्पल, और वहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है, बट आई डोंट सी एनी फेरी वहाँ पे अभी कोई भी। इसका भी कुछ टाइम होगा अलग से, नॉट श्योर। ये देख सकते हो, ऐसा लग रहा है लिटरली लग रहा है ऐसे राम सेतु वगैरह में चल रहे हैं भाई, पूरा क्या बोलते हैं इधर समुद्र बीच में चलते जा रहे हैं। वाह, आप सामने देख सकते हो दिस इज विवेकानंद मेमोरियल, एंड ये विवेकानंद जी के काफ़ी बड़ी सी एक ये है आपका बेहतरीन और सुंदर सा कन्याकुमारी। भाई क्या हवा चल रही है यहाँ पे, नाइस, और पीछे सनसेट हो रहा है। सनसेट पॉइंट जो है वहाँ पे जाने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, अभी वहीं जा रहे हैं। पूरा काला हो चुका हूँ मैं, खतरनाक टैनिंग हो गई है भाई, आपको कैमरे में समझ में ही आ रहा होगा, पूरी टैनिंग हो गई है। अब ये जाके बढ़िया घर में बेसन लगाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से टैनिंग हटानी पड़ेगी। तो अभी जा रहा हूँ मैं सनसेट पॉइंट, पैदल ही जा रहा हूँ, ऑटो वगैरह नहीं किया है, और मेरे को लग रहा है कि ठीक है शायद से अभी जाते जाते सूरज डूब ही जाएगा, बट ठीक है। और ये पीछे आप देख सकते हो मेरे मार्केट है पूरा, काफ़ी सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन लाइक प्रॉपर पंजाबी रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन टाइप के, तो वो अच्छा लग रहा है देख के, यहाँ खाने का दिक्कत नहीं आएगा। भाई तो बता दूँ मैं एक चीज़ कि अभी मैं वर्कला था हमारा केरला में, और जो कन्याकुमारी आता है तमिलनाडु में, तो ये चीज़ मेरे को लगा कि बता दूँ आप सभी को जिसको नहीं पता है कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। एक कॉर्न है, कॉर्न नॉर्मल कॉर्न, ओके तो अभी वही ले रहे हैं, अपने को बहुत अच्छा लगता है। चलो
तो भाई आम लेके आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी ऊपर एक जगह है विच इज़ कॉल्ड व्यू पॉइंट। 15 रुपये की टिकट है और सनसेट एज आई सेड हो चुका है, तो सनसेट तो अभी नहीं देखने को मिलने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट 6:45 का टाइम था सनसेट का और 6:45 ही हो रहा है, बट बादल बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण दिख नहीं रहा है, सिर्फ वो गोल्डन गोल्डन स्काई दिख रहा है जो कि काफ़ी सुंदर है। तो कन्याकुमारी इज़ बेसिकली नोन फॉर सनराइज एंड सनसेट, दोनों दिखता है यहाँ से। अगर आप बे ऑफ बंगाल साइड हो तो बे ऑफ बंगाल में आपको सनराइज देखने को मिलता है, और अगर आप मुंबई साइड हो अरेबियन सी में तो आपको सनसेट वहाँ देखने को अच्छा मिलता है, और यहाँ कन्याकुमारी में सबसे नीचे है तो यहाँ पे दोनों चीज़ देखने को मिलती है। सो ये है कन्याकुमारी की ब्यूटी, और रात को तो हम वही पंजाबी ढाबे में डिनर करने वाले हैं। नाइस। और सोच रहा हूँ कल ही यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए निकल, मेरी फ़्लाइट है वहीं से, सो देखता हूँ वहीं निकल जाऊँगा। त्रिवेंद्रम में भी काफ़ी घूमेंगे। तो ये मेरी पीछे वाली बिल्डिंग, दिस इज़ कॉल्ड व्यू पॉइंट। 15 रुपये की टिकट है ऊपर जाने के लिए। सनराइज़ यहाँ से अच्छा दिखेगा। टिकट ऊपर ऊपर छूट गया। टिकट कितना? तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे मे भी। ये है व्यू पॉइंट, व्यू टावर। सनराइज़ यहाँ से अच्छा दिखेगा, सनसेट का पॉइंट थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कुछ खाने को मिले, कुछ बढ़िया सा नॉर्थ इंडियन खाते हैं आज। तमिलनाडु है भाई यहाँ पे खाना, सब हिंदी समझ रहे हैं, सब हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं इंग्लिश में बात किया तो वो बोलते हैं कि हिंदी आता है ना, बोला हिंदी आता है, तो फिर वो हिंदी में बात करने लगे। सो यहाँ पे सब हिंदी में बात करते हैं। अच्छा है, केरला में बहुत प्रॉब्लम हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, लैंग्वेज का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ जस्ट घूमते घूमते मेरे को ये फ़िश एग्जीबिशन दिख गया। मैं सोच रहा हूँ 50 रुपीज़ की टिकट है, तो मैं सोच रहा हूँ देखते जरा फ़िश एग्जीबिशन में क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 130 टाइप्स ऑफ फ़िशेज़ हैं, और सबका यहाँ पे नाम वगैरह दिया है, और किसकी कितनी एज होती है, कितनी लंबी होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ मिली जाती है, वो सब लिखा हुआ है। देखते हैं। लॉइन फिश देखो क्या खतरनाक चीज़ है, ये अजीब ही दिख रही है एकदम। तो अभी चलते चलते मेरे को लगा आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ प्रॉपर पूरी खाने की होटल्स हैं। ये सामने कन्याकुमारी का मेन चौक है, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरी खाने की होटल, सन होटल, विश्वास होटल, ग्रिल एंड सैफ्रॉन होटल, देवी होटल, हरी, बाप रे बाप, पूरा खाने का है ये। लेकिन हमको जहाँ जाना है वो है श्री पंजाबी होटल, एंड आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। जो लड़की आई थी ना हमारे वर्कला में हॉस्टल में रहने के लिए, वो कन्याकुमारी से ही आ रही थी, तो उसने बोला था कि अब ज़रूर जाना वहाँ पे, क्योंकि खाना वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस मेरे भाई ने देखा नहीं वो रेस्टोरेंट कैसा है क्या है, बस गूगल में देख के मुझे भेजा है कि ये अगर वहाँ जाएगा तो इस होटल ज़रूर जाना कन्याकुमारी में। तो चलते हैं वहीं पर। और ये है पंजाबी ढाबा जहाँ पर हमको आना है, शुद्ध शाकाहारी। Nice. भाई ये है आपका मेन्यू कार्ड, देख सकते हो श्री पंजाबा प्योर वेज, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिर फुलका के रेट दिखाता हूँ। कढ़ाई पनीर देखो 180-190 सब अच्छा रेट है। दाल फ्राई इज़ लाइक 90, दाल तड़का 110, रेट बहुत ही सस्ते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। देखो आलू पराठा वगैरह 80 रुपीज़, 2 पीस फुलका 10 रुपये, वहाँ पर अच्छा खाना मिल सकता है बढ़िया। भाई ये हमारा खाना आ चुका है, जिस भिंडी फ्राई, और ये है दाल मखनी, और आने वाला है फुलका। सो द फूड लुक्स रियली गुड। ओ वाओ भाई, एकदम एकदम घर जैसी रोटी है। सो ये खाना खाने में मज़ा आने है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। इतने जो रिव्यूज़ मिले थे, देखते हैं खाना कैसा है।
पूरा घर का है, पूरा घर का खाना है। और भिंडी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो भाई, तो खाना बहुत अच्छे से हो गया है। रेट्स तो आपने देखी, काफ़ी बढ़िया रेट्स हैं। वापस होटल जाते हैं और फिर क्या करना है। Approximately 10 hours later. Okay, sir, good morning everyone. मैं कल कंटिन्यू नहीं किया, रात में आया और तुरंत सो गया। नीचे ही हमारा वो ढाबा है कौन सा, जहाँ पे रात में खाना खाते और ही हमारे होटल से भी। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे कि चर्च है या और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे। और आज सुबह सनसेट मैं आया था देखने के लिए, बट क्लाउडी इतना ज़्यादा है कि सनराइज़ यहाँ से दिखाई नहीं। सनराइज़ यहीं से होता हुआ दिखता है, बहुत प्यारा, बट दिखाई नहीं सुबह क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे। अभी मानसून है, सो क्लाउडी वेदर है काफ़ी ज़्यादा। सो कोई बात नहीं यार, कन्याकुमारी इसी के लिए जाना जाता है, दोनों ही नहीं दिखा। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, चलते हैं वो चर्च तो चलते हैं फ्रेश वेश होके और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके। लेट्स गो। तो यहाँ पे कुछ उपमा टाइप का है, देन इडली, ये डोसा यहाँ पे ऐसे मोटे मोटे रहते हैं जैसे कल वहाँ पे थे, क्या बोलते हैं वर्कला में, सांभर, पूड़ी, जिस ब्रेड, ये हलवा वगैरह कुछ है, चटनी, अगेन चटनी, आलू और यहाँ पे वड़ा। नाइस, चलो खाया जाए। आई डोंट नो इस चीज़ कैमरे में कैप्चर हो रही है कि नहीं, बट आप एक पानी का कलर देख सकते हो, ये ग्रीन और ब्लू दोनों कलर है। मैंने जैसे बताया था कि ये संगम है ना, आपको जैसे कि मैंने कल ही बताया था, ग्रीन है और उसके पीछे ब्लू है। सो ये संगम, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो ये विवेकानंद मेमोरियल जाने के लिए 50 रुपये की टिकट है पर पर्सन। मेरे को 2 बजे में भी यहाँ कन्याकुमारी से निकलना है, तो शायद से मैं जल्दी जल्दी करूँगा, चर्च कवर नहीं हो पाएगा शायद, तो मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि कल ये नहीं हो पाया था, मुझे लगा ये बंद है बट चालू है। तो ये सामने हम लोग को यहाँ जाना है और ये फेरीज है इसकी जाने के लिए, 50 रुपीज़ की टिकट है। तो एक ये बोट अभी आ चुकी है और ये बोट आएगी, यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग सब अभी बैठेंगे इसमें। द ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल बोर्डिंग ऑफ द शिप। नेक्स्ट हमारे नंबर है, तो आपको पहले लाइव जाकर कलेक्ट करनी है और उसके बाद बैठना है। तो लाइव जैकेट ज़रूरी है, आपको लेके ही बैठना है। लाइव जैकेट अब यहाँ पे सबमिट करनी है। Right behind me is स्वामी विवेकानंद जी का क्या बोलते हैं मूर्ति। और अभी जा रहे हैं ऊपर स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। तो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि एक आध दो के साथ ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट ले ली है 20 रुपये की, वहाँ 50 की टिकट लो, फिर फ्री में आके बैठने के बाद फिर 20 की टिकट लो, ये मेरे को बेवकूफ़ी लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप टिकट ले लो उसी में सब कुछ इंक्लूड कर दो, है ना, दो बार आपको लाइन में लगना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को, विच इज़ रियली है ना दिक्कत है वाली चीज़। सेकेंड दिस मुझे लगा कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके ओके, बट ऐसा है कि यहाँ पे सब स्टेयर कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या नया दिख रहा है मुझ में या फिर कुछ तो भी है स्पेशल मुझ में, यहाँ पे लोग स्टेयर कर रहे हैं, बहुत स्पेशल है मुझ में कुछ। तो मैं बता रहा था चप्पल दे दिया मैंने, जूते दे दिए, वही मैं बता रहा था कि कुछ तो स्पेशल है मुझ में, ऐसी फीलिंग आ रही। लोग पलट पलट के देख रहे हैं, लिटरली लोग आगे बढ़ रहे हैं और पलट के देख रहे हैं। सो ये है विवेकानंद मेमोरियल, यहाँ का कन्याकुमारी का सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन। और एक तो ऑब्वियसली वो त्रिवेणी संगम जो है, तीन ओशन्स का मैं बता चुका हूँ, तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। नाइस, और ये साइड में आप देखो ये मूर्ति है, बढ़िया है, अच्छा है। और यहाँ हवा इतनी तेज़ है भाई, इतनी तेज़ है, ख़तरनाक। मतलब मैं भैया किसी को बोले मेरी फ़ोटो खींच दो, मैं पोस्ट देने के लिए खड़ा हुआ और जो हवा ने मेरे को पुश किया भाई, मैं से आगे हो गया पूरा, खतरनाक है यहाँ पे हवा।
प्रॉपर पुणे से इंडिया? अच्छा, कहाँ पुणे में, कहाँ से? हम पिंपरी चिंचवड़ से। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, पीछे जो आंटी है वो पुणे से ही है। अच्छा आंटी, तो अभी आप लोग वापस कैसे जाने वाले? नहीं, हम लोग ना, हमारा कॉन्फ्रेंस है रामेश्वर में। अच्छा अच्छा, तो वापस से लाइफ जैकेट लेना है और वापस से बैठना है। चलो भाई, तो अपना हो गए, वहाँ से आ गए हैं अपन विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। अब मैं सोच रहा हूँ कि वही जो पंजाबी ढाबा था वहाँ पे आलू पराठा और ऐसी कॉफ़ी वगैरह लेके बैग उठा के सीधा रेलवे स्टेशन जाऊँगा। सो या लेट्स गो। आलू पराठा काफ़ी अच्छा दिख रहा था वहाँ का, तो आलू पराठा लेंगे। 70 रुपये का था आलू पराठा, अपना मैं पेट वेट भर जाएगा। आलू पराठा अच्छा होता है। और कल मैंने जैसे कॉफ़ी बोली थी, ऑलमोस्ट उन्होंने वैसी कॉफ़ी बनाई थी, थोड़ी मीठी हो गई थी, बट ठीक है, खाना अच्छा है वहाँ का और फास्ट सर्विस। चलो भाई, तो वापस से लंच करने यहाँ पे आ चुके हैं और अभी आगे मैंने बहुत बढ़िया सा, क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस पी लिया था, काफ़ी बढ़िया था। तो अभी लंच करते हैं और फिर ट्रेन पकड़नी है। लेट्स गो। तो बढ़िया आलू पराठा वगैरह खा लिया है। कौन सा प्लेटफॉर्म पे आने वाली है? हिमसागर एक्सप्रेस। भाई साहब, जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, ये ट्रेन आप लोगों को बता दूँ, ये ट्रेन जाती है कन्याकुमारी से वैष्णो देवी जम्मू। बाप रे बाप। सो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में से एक आती है ये, टॉप 10 अगर आप सर्च करोगे तो ये ट्रेन आती है हिमसागर। हम तो भाई 2 स्टेशन बाद ही उतर जाएंगे, बट ये ट्रेन जाने वाली है 4 दिन की लंबी जर्नी पर और ये ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस, जम्मू तभी हिमसागर एक्सप्रेस। सामने ट्रेन लगी हुई है, स्लीपर में मैंने टिकट करा ली है, 130 रुपये की टिकट हो गई, आया था एसी में, जा रहा हूँ स्लीपर में। सर भाई, मुंह वगैरह धो लिया है और ट्रेन आ गई अपनी, आप देख सकते हो नाम पढ़ो इसमें, कन्याकुमारी टू वैष्णो देवी, बहुत लंबी ट्रेन है। चलते हैं अभी त्रिवेंद्रम, होटल वगैरह बुक नहीं किया है, अभी होटल बुक करते हैं, देखते हैं कहाँ पर रुकना है, क्या करना है, लेट्स सी। तो चल चुके हैं, करीब 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में त्रिवेंद्रम, और पूरी ट्रेन खाली है, पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट पूरा डब्बा ही खाली है, अकेले ही। तो अभी भी होटल से ही देख रहा था मैं कि समझ में नहीं आ रहा यार कौन सा कहाँ रुकने का है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, लोकेशन रिव्यू सब देखना पड़ता है यार। भाई ये होटल मैंने किया है, होटल टाउन टावर, और लुक एट दिस प्लेस मैन। ये क्या है? गाइस जीत गए, हमने 8 की 8 शॉट मार दिए उसमें।